हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, यौन शोषण के मामले में रोहतक जेल में 20 साल की सजा काट रहे बाबा राम रहीम के एक एक किस्से सामने आ रहे हैं। बाबा ने सिरसा में 91 एकड़ में अपने लिए एक आलीशान रिसोर्ट बनवा रखा था, जिसमें वह हर तरह के कुकृत्यों को अंजाम दिया करता था। इस रिसोर्ट के अंदर वो सब है जो किसी 5-स्टार होटल में होता है। यहाँ बड़े बड़े कमरे, लाखों का फर्नीचर, स्विमिंग पूल और जकुची स्पा जैसी हर सुविधा उपलब्ध है। बताया जाता है राम रहीम जिस कमरे में सोता था उसके अंदर होम थिएटर से लेकर स्विमिंग पूल बना रखा था। मीडिया के अनुसार बाबा जिस बेड पर सोता था उसकी कीमत 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा थी, जिसे विदेश से मंगवाया गया था। बाबा जब भी यहाँ आता था तो इस बेड पर लाल या गुलाबी चादर बिछाई जाती थी, जिन्हें विदेश से मंगवाया जाता था। इस रिसोर्ट में बाबा ने अय्याशी के लिए 58 कमरे बना रखे थे, साथ ही इसमें 16 बड़े विला भी बने हुए हैं। राम रहीम इन कमरों को किराए पर भी देता था, जिसकी कीमत लाखों में होती थी। बाबा ने अपने लिए इस रिसोर्ट के अंदर एक ताजमहल जैसा एक आलीशान विला बनवा रखा था। राम रहीम यहाँ पर अक्सर मालिश करवाने और स्टीम लेने के लिए आता था। इस विला के एक कोने में लग्जरी स्विमिंग पूल बना हुआ है, जबकि दूसरी ओर हाई सिक्योरिटी ग्लास लगे हुए हैं। इस विला में लाखों की लाइट और महंगी महंगी कुर्सियां थी, जिन पर सिर्फ गुरमीत ही आराम करता था। राम रहीम के आते ही इस विला के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। यहाँ राजनीतिक हस्तियों और अन्य वीआईपी लोगों को ठहरने का इंतजाम भी होता था। इस रिसोर्ट में कमरों की 5 कैटेगरी थी, जिसके अंदर प्रीमियम रूम से लेकर लग्जरी रूम होते थे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ पर एक रात के लिए वीआईपी भी आते थे, जो यहाँ रुकने के लिए लाखों रुपए देते थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।